नमस्कार मित्रों। हाँ, मैंने एक वीडियो में कहा था कि अग्नि देवता को सर्वभक्षी होने का श्राप भृगु ऋषि ने दिया था, उसका उपशमन कैसे हुआ ये बात कहनी रह गई। तो एक प्रश्न के संदर्भ में मैं अपनी इस भूल को स्वीकारते हुए उसका जवाब दे रहा हूँ। सर्वभक्षी का अर्थ ये था कि अग्नि में जो भी डाला जाएगा वो भस्म हो जाएगा। हवन, यज्ञ, याग आदि उसकी सामग्री एक उत्तम अग्नि के लिए देवताओं के प्रति पहुंचाने वाली आहुतियाँ एक उत्तम स्थिति थी। पर मृत्यु के बाद मुर्दे को जलाना और भी जो भी दुनिया भर का है वो सब अग्निदेव जलाएं, ये जब अग्निदेव को शाप मिला तो अग्निदेव को अत्यंत पीड़ा हुई, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, सत्य बोलना ये मेरा धर्म है। अगर कोई साक्षी है वो सत्य नहीं बोलता है तो वो अपने साथ पीढ़ियों को नरक में ले जाता है, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है। तो सत्य अगर मैं ही नहीं बोलूंगा तो मेरा अनुकरण करने वाले अन्य लोग कैसे सत्य बोलेंगे? लोग अग्नि को साक्षी मान के हर काम करते हैं, तो मुझे तो सत्य बोलना ही था। तो मैंने जब कोई गलत काम नहीं किया है, फिर मुझे ये शाप भृगु ऋषि ने जो दिया है ये मुझे मंजूर नहीं है। अत्यंत रुष्ट अग्निदेव ने यज्ञ यागादि होम वगैरह में जहां जहां उनका उपयोग होता था वहां से अपनी स्थिति को संकुचित कर दिया, यानी उन सब में उन्होंने भाग लेना बंद कर दिया। अब अग्नि ही नहीं है तो किसी भी प्रकार के होम यज्ञ यागादि नहीं होंगे, और होम यज्ञ यागादि नहीं होंगे तो देवताओं को उनको भाग ही नहीं मिलेगा, क्योंकि देवता अन्न तो खाते नहीं। सांस्कृतिक वीडियो में कभी इसकी बात करेंगे कि हम कैसे भगवान को प्रसाद रखते हैं और वही थाली उठा के या वो सारे पेड़े उठा के हम खा लेते हैं, तो भगवान क्या खाते हैं, आगे कभी इसकी बात करेंगे। देवता वायु भक्षी होते हैं, उन्हें तो वही मिलता है जो आहुति के द्वारा अग्निदेव उनके पास पहुंचाते हैं। अब जब अग्निदेव ने यज्ञ यागादि में से खुद को आज की भाषा में कहें विड्रॉ कर लिया तो सब परेशान हो गए, सब ब्रह्मा जी के पास गए, इंद्र के पास गए, इंद्रादि देवता सब। ब्रह्मा जी ने अग्नि को बुलाया और उनसे कहा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो अग्निदेव ने कहा कि हमारी गलती क्या है कि जो कि हमें इस तरीके का शाप दिया गया। तब ब्रह्मा जी ने अग्नि से कहा कि हे अग्निदेव, आप सर्वभक्षी हैं, ये जो शाप है आप सर्व शुद्धिकरण करने वाले हो जाएंगे, अर्थात आज तक आप सिर्फ साक्षी के रूप में माने जाते थे, लेकिन आज के बाद से किसी भी वस्तु को शुद्ध करना हो तो अग्नि में उसको डाल के शुद्ध किया जा सकता है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे किसी सीता जैसी स्त्री के सतीत्व की शुद्धता की बात आए, अग्नि में जाने के बाद सब शुद्ध हो जाते हैं। इस वरदान के बाद अग्निदेव ने अपना पूर्व रूप ग्रहण किया और तब से अग्निदेव सर्वभक्षी भी हैं और सर्व शुद्धिकर भी हैं। ये एकमात्र ऐसे देवता हैं जो ज्ञान के प्रतीक हैं, जो हमारे धर्मों के साक्षी हैं, जो हमारे कर्मों के साक्षी हैं, जिन्हें वेदों में पुरोहित कहा गया है, जो पहले से हमारे हित को विचार सकते हैं, और यही एकमात्र देवता हैं जो सभी देवताओं के साथ के लिए हमारे माध्यम बिंदु बनते हैं, हमें जो भी संदेश या जो भी आहुति या जो पूजा जिस देवता तक भेजनी होती है हम इनके माध्यम से भेज सकते हैं। बोलो अग्निदेव की जय। आज के इस अग्नि से लगते हुए वीडियो में इतना ही, आगे हम च्यवन ऋषि की कथा देखेंगे। धन्यवाद।